नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद और पंजाब हरियाणा हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर वन न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ बलविंदर सिंह। 25 खबर 25 रिपोर्टर के इस सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए 25 खबर 25 रिपोर्टर। और सबसे पहले बात करते हैं लाल बत्ती के खिलाफ बड़े फैसले की। पीएम मोदी ने लाल बत्ती मुक्त भारत का बड़ा फैसला लिया है। 1 मई से ना तो राष्ट्रपति की गाड़ी पर लाल बत्ती होगी, ना खुद प्रधानमंत्री या किसी भी वीवीआईपी की गाड़ी पर। मोदी कैबिनेट ने वीआईपी कल्चर पर बड़ा ब्रेक लगाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने का फैसला लिया है। लाल बत्ती पर रोक का फैसला 1 मई से लागू होगा। इस फैसले के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी वीवीआईपी की कार पर लाल या नीली बत्ती नहीं लगाई जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस फैसले के दायरे में आएंगे। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस जैसे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ही लाल बत्ती लगाने की इजाजत होगी। कि ना केंद्र में ना किसी राज्य में कोई भी ऐसा डिग्निटरी नहीं होगा जिसको केंद्र या राज्य सरकार नॉमिनेट कर सकती है कि वो रेड लाइट कैरी कर सकता है। तो इसका असर ये होगा कि 1 मई से कोई भी व्यक्ति देश में और कोई भी व्हीकल देश में रेड लाइट नहीं कैरी कर पाएगा। लीगल प्रक्रिया के अनुसार हम जल्दी ही नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसके बाद में अगर कोई कानून भंग करता है तो उस पर कानून में प्रोविजन है, उस पर कार्रवाई होती है। तो आज से ही निकाल दिया, जैसे कैबिनेट की बैठक से आया तो मैंने उसके ऊपर का दिया, आज ही तुरंत निकाल दिया और कहा कि इसको अभी मत लगाओ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। गौरतलब है कि पंजाब की अमरिंदर सरकार अपनी पहली ही कैबिनेट में प्रदेश में लाल और नीली बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया था। आज से 1 महीना पहले जो पंजाब सरकार ने पहलकदमी करी थी कि पंजाब में से वीआईपी कल्चर जो है वो खत्म हो, लाल बत्ती वगैरह वगैरह, तो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने भी उस बात की तायद की है या तस्दीक किया है और उन्होंने अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर्स को भी बोला है कि ये लाल बत्ती बंद होनी पड़ेगी। सो मुझे लगता है हरसिमरत कौर बादल को भी अपनी लाल बत्ती उतारनी पड़ेगी। गौरतलब है कि अभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री लाल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। सभी कैबिनेट मंत्री, कुछ कैबिनेट सचिव के अलावा कुछ सचिव स्तर के अधिकारी भी लाल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल राष्ट्रपति से लेकर कैबिनेट स्तर के सचिव लाल बत्ती के साथ हूटर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री भी लाल बत्ती के साथ हूटर का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय कैबिनेट के बाद बात करते हैं पंजाब कैबिनेट की। अमरिंदर कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई जिसमें माइनिंग से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए ई बीडिंग शुरू करने का फैसला लिया है। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए। 125 साल पुरानी धरोहर खालसा कॉलेज को बचाने के लिए खालसा विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 को स्क्रैप करने का फैसला लिया गया। साथ ही सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अमृतसर में पहले ही कई उच्च शिक्षा संस्थान, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और श्री रामदास गुरु विश्वविद्यालय है। ऐसे में गुरु नगरी में और विश्वविद्यालय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही कैबिनेट की तरफ से सारागढ़ी मेमोरियल के प्रबंधन को फिरोजपुर प्रशासन के तहत ट्रस्ट को हैंडओवर करने का फैसला लिया गया, जिससे पंजाब की इस धरोहर की और बेहतर देखभाल हो सके। साथ ही कैबिनेट की बैठक में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया कि माइनिंग को और बेहतर बनाने के लिए माइंस की ई बोली कराई जाएगी, जिससे न सिर्फ अवैध खनन पर लगाम कसने की उम्मीद जताई जा रही है बल्कि रेवेन्यू में भी करीब 300 करोड़ रुपए का इजाफा होने की उम्मीद है। साथ ही ग्राहकों तक बिना रुकावट रेत बजरी की सप्लाई का भी दावा किया जा रहा है। व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए जल्द ही इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम या आई3MS शुरू करने का फैसला लिया गया है,
साथ ही जमीन के मालिकों को 50 रुपए की बजाय 60 रुपए प्रति टन मुआवजा देने का फैसला लिया। साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया और फीस बढ़ोतरी पर नजर रखने के लिए रेगुलेटरी बनाने को हरी झंडी दे दी गई। खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई गई थी पिछली सरकार में, तो इसको अब ये रिपील कर दिया गया है। सरकार ने ये महसूस किया कि खालसा कॉलेज को अपने ओरिजिनल स्टेट में चले जाना चाहिए। जो भी बच्चों ने एडमिशन ली है खालसा कॉलेज खालसा यूनिवर्सिटी में, ये बताया गया कि तकरीबन 300 हैं, उनको सूटेबली साथ वाली यूनिवर्सिटी में या जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहेंगे वहाँ उनको सूटेबली अकोमोडेट कर दिया जाएगा। माइनिंग पॉलिसी जो है उसकी इब्तदा की गई है और पिछली माइनिंग पॉलिसी से ये थोड़ी मुख्तलिफ है। पिछली बार जो सरकार को रेवेन्यू माइनिंग से आया था, ये रेत की माइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो 43 करोड़ था और इस बार जो माइनिंग पॉलिसी बनी है उसमें हमें ये आस है कि इसको 10 गुना इससे ज़्यादा आएगा। प्रोग्रेसिव बिडिंग कराएंगे, ई बिडिंग होगी। प्राइवेट अनएडेड जो स्कूल्स हैं वो कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं बच्चों से या उनके पेरेंट्स से, उसके लिए भी एक नया एक्ट है और उसके नए जो जो कानून है उसको मंत्रिमंडल ने उसकी आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल पंजाब के अंदर जो भी पिछले साल की उसकी फीस थी उससे बढ़ाकर 8% से ज़्यादा नहीं ले सकते। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अवैध खनन और निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा कई बार सरकार के सामने उठा चुका है। इन दोनों ही समस्याओं से लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में कैबिनेट की तरफ से लिए गए इन फैसलों से जनता को एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आएगी। पंजाब की जनता ने उम्मीदों के साथ कांग्रेस को सत्ता सौंपी है और वहीं पंजाब कांग्रेस भी जनता से किए वायदे पूरा करने की कोशिश कर रही है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। और अब बात सीएम से जुड़े हुए एक मामले की। ईडी की ओर से लुधियाना सिटी सेंटर घोटाले मामले में साल 2007 में विजिलेंस की ओर से दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट में दायर चालान और चार्जशीट की कॉपी की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज लुधियाना सिटी सेंटर मामले में कैप्टन अमरिंदर जो 2002 से 2007 के बीच है उसमें आज नोटिस हुआ। इस वक्त हमारे साथ जो ईडी की वकील है साथ है। मैडम आज क्या हुआ इस मामले में? नोटिस हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट टू द स्टेट ऑफ पंजाब एंड विजिलेंस ब्यूरो पंजाब। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई एक याचिका से पंजाब के नए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस याचिका में ईडी की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिछले कार्यकाल के दौरान लुधियाना सिटी सेंटर घोटाला मामले को लेकर साल 2007 में विजिलेंस की तरफ से दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी की मांग की गई है। साथ ही ट्रायल कोर्ट में दायर चालान और चार्जशीट की कॉपी भी मांगी गई है। We had actually sought copy of the challan from Vigilance Bureau, which they had refused to give. So the ED has come to the court seeking direction to the Vigilance Bureau Punjab to supply us with the copy of the challan so that we can investigate the matter. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ने पंजाब सरकार और विजिलेंस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। इस केस में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने साल 2013 में करोड़ों के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू कर दी है और मामले में पंजाब के तत्कालीन और मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई दिग्गजों को आरोपी बनाया है। इस मामले में जो 2002 से 2007 के बीच का जो मामला है इसमें जो ईडी ने नोटिस दिया है। कैमरा पर्सन अश्विनी मिन्हास के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। और अब बात SYL की, जिसे लेकर पंजाब हरियाणा अब एक टेबल पर बैठेंगे। SYL के मुद्दे पर कल केंद्र ने पंजाब और हरियाणा को बातचीत के लिए बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दशकों से पंजाब और हरियाणा के विवाद की वजह बन रही SYL की समस्या का समाधान निकालने के लिए एक पहल की गई है, जिसके तहत दोनों सूबों को एक साथ बैठक के लिए बुलाया गया है। इसे लेकर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला का कहना है कि पंजाब के हित में बैठक में जो भी फैसला लिया जाएगा उन्हें मंजूर होगा।
तो किसी भी समस्या का समाधान बैठकर मिलकर बात करने पे ही होता है, और उसमें एक रास्ता कोई प्रधानमंत्री जी निकालते हैं और प्रदेश के हित में आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो वहीं हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी इस बैठक से खासी उम्मीदें जताई हैं और इसे प्रधानमंत्री की तरफ से एक बेहतर पहल करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और इस फैसला आने से पहले अगर दोनों इस हफ्ते बैठकर इसका समाधान निकालते तो पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा है, हरियाणा एक प्यासी धरती है और शायद समझौता होगा। अगर समाज और बिरादरी जिम्मे होता है और वो फैसला सिरे भी अच्छे चढ़ जाता है। SYL की समस्या के चलते दोनों सूबों में कई दशकों से विवाद चल रहा है, जिसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पहल की है और दोनों ही सूबों की तरफ से इसे सकारात्मक पहल करार दिया जा रहा है। दोनों को ही अपने हक में किसी समाधान की उम्मीद है। होशियारपुर से रमन खोसला के साथ राजडाकिया, जी मीडिया, रोहतक। होशियारपुर में पंजाब बीजेपी की बैठक हुई जिसमें पार्टी की आगामी रणनीति तैयार की गई तो मौजूदा सरकार पर भी जमकर निशाने साधे गए। हुशियारपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने सूबा सरकार के एक महीने के कार्यकाल को असफलता का महीना करार किया है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने हुशियारपुर के मुकेरिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विजय सांपला ने पंजाब की कांग्रेस सरकार के पहले महीने के कार्यकाल को असफलता का महीना करार दिया और कहा कि पंजाब में इस वक्त कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अगर ये 30 दिन की कारगुजारी उनकी देखें तो अगर ये असफलताओं का महीना कह सकते हैं और इसी असफलताओं को लेकर हम भविष्य के लिए भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये कुछ नहीं करेंगे और इसी ट्रक यूनियन के कारण ही ऐसी गुंडागर्दी हो रही है और पूरे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की नाम की चीज़ नहीं है। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष ने सूबा सरकार के किसानों को कर्ज माफी और 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने के मुद्दे पर भी घेरा और कहा कि 96 घंटे बीत जाने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। जो किसानों को उनका सहायता और उनकी हेल्प होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और उनको जो प्रोक्योरमेंट के पैसे उनके जो मिलने चाहिए थे वो 96 घंटे के बीत जाने के बाद भी नहीं मिले, जब बात हुई थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर देना है। विजय सांपला ने कहा है कि प्रदेश में इस वक्त कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। हुशियारपुर से कैमरामैन सन्नी के साथ रमन खोसला, जी मीडिया।